रंजन और डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स के लेकर के एक खबर ये आए हैं कि व्हीकल के प्राइस अगेन 0.7% जो है वो इंक्रीज करते हुए दिखेगा, और आगे के ट्रेंड तब तक नहीं दिखेंगे जब तक 2 फरवरी को कंपनी अपना क्वार्टरली नंबर्स डिक्लेयर ना कर दे। तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर चाहते हैं कि पार्शियली प्रॉफिट में बुक करो, वोलेटिलिटी को नहीं झेल सकता तो बिल्कुल एग्जिट करें। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं कि नहीं मैं 1-2 साल यहां से रुकूंगा, तो बिल्कुल पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं। कंपनी ने 1 लाख व्हीकल के जो टारगेट है वो ईवी के लिए है, और सबसे पहले यहां जो प्राइस इंक्रीमेंट रहे उसको देखेंगे। यहां देखें खबर क्या है। खबर यह है कि टाटा मोटर्स विल इंक्रीज प्राइस बाय 0.7% ऑन एवरेज अक्रॉस इट्स ऑल पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग ईवीज, यानी गाड़ी के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। इसके साथ हमने कई बार आपको दिखाया कि कंपनी के टारगेट 1 लाख यूनिट हो गए हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और ये जो 2 फरवरी है ना, ये ट्रेंड डिसाइड करेगा कि आगे अपर साइड जाने हैं या लोअर साइड जाने हैं। इससे पहले जो है ट्रेंड डिसाइड होते नहीं दिखेगा। तो इस समय इसके देखेंगे अगर चार्ट को, तो अभी भी इसने हैमर कैंडल ही बनाया है, यानी लोग बहुत पेसिमिस्ट हैं। और मुझे लगता है कि या तो 802 के SL को लगा करके आप बने रहें कि भैया इसके नीचे जहां भी गया मैं एग्जिट करूंगा, और यहां नहीं तो मैं बने रहूंगा। नेक्स्ट टारगेट अगर आप इजिली देखेंगे तो क्या टारगेट आ रहा है, यहां से इसने कंसोलिडेट करा, ये वाला लेवल ये कंसोलिडेट करा, और यहां से ये ट्रेंड कंटिन्यू करा, यहां से देखेंगे ये ट्रेंड कंटिन्यू करा। यहां अब क्या है कि थोड़ा यहां अगर कंसोलिडेट कर दे तो फिर जो सेम टारगेट ये वाला टारगेट था इसको हम यहां से पकड़ेंगे तो ये 960 और 1000 का लेकर के जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि 800 के नीचे के SL को लेते हैं तो पहला टारगेट जो है 860 का लेंगे, दूसरा 920 का लेंगे, और तीसरा 1000+ तक का हो सकता है। इसके पीछे के वैलिड रीजन यही है।